लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। साथियों, हजारों साल पहले भगवान बुद्ध जब इस धरती पर थे तो आज जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन फिर भी बुद्ध विश्व के करोड़ों करोड़ लोगों तक पहुंच गए, उनके अंतर्मन से जुड़ गए। मैंने अलग अलग देशों में बौद्ध धर्म से जुड़े मंदिरों विहारों में ये साक्षात अनुभव किया है। मैंने देखा है कैंडी से क्योटो तक, हेनोई से हम्बनटोटा तक भगवान बुद्ध अपने विचारों के जरिए मठों, अवशेषों और संस्कृति के जरिए हर जगह है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं कैंडी में श्री डलाड़ा माइलागोवा वहां दर्शन करने पहुंचा था, सिंगापुर में उनके दंत अवशेष के मैंने दर्शन किए और क्योटो में किनका कुजी जाने का अवसर भी मुझे मिला। इसी तरह साउथ ईस्ट कंट्रीज के भिक्षुओं का आशीर्वाद भी मुझे मिलता रहा है। अलग अलग देश, अलग अलग परिवेश, लेकिन मानवता की आत्मा में बसे बुद्ध सबको जोड़ रहे हैं। भारत ने भगवान बुद्ध की इस सीख को अपने विकास यात्रा का हिस्सा बनाया है, उसे अंगीकार किया है। हमने ज्ञान को, महान संदेशों को, महान आत्माओं के विचारों को बांधने में कभी भरोसा नहीं किया है। उसको बांध के रखना ये हमारी सोच नहीं है। हमने जो कुछ भी हमारा था उसे मानवता के लिए मम भाव से अर्पित किया है। इसलिए अहिंसा, दया, करुणा ऐसे मानवीय मूल्य आज भी उतनी ही सहजता से भारत के अंतर्मन में रचे बसे हैं। इसलिए बुद्ध आज भी भारत के संविधान की प्रेरणा है। बुद्ध का धम्म चक्र भारत के तिरंगे पर विराजमान होकर हमें गति दे रहा है। आज भी भारत की संसद में कोई जाता है तो इस मंत्र पर नजर जरूर पड़ती है, धर्म चक्र प्रवर्तनाय।